अगर हम कहें कि नवरात्रि के दौरान एक साधु ने 5 दिनों से समाधि ली हुई है और अब तक जीवित है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह पूरी तरह सच है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के करुंदिया गांव के पास गुजराती बाबा ने नवरात्रि के दौरान एक अनोखी ज्वारा समाधि ली है, जो दशहरे तक चलेगी और इस दौरान बाबा अन्न जल त्याग कर देवी की उपासना में लीन रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन के भीतर समाधि लेने के बावजूद संत जीवित कैसे हैं? तो आपको बता दें कि गुजराती बाबा ने ज्वारा समाधि ली है, जिसपे शरीर को मिट्टी के ऊपर दबाकर उस पर गेहूं के ज्वारे बोए गए हैं। 5 दिनों के बाद ये ज्वारे हरे भरे हो जाते हैं। बाबा बताते हैं कि माँ भगवती की कृपा से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में इन ज्वारों की हरियाली बनी रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन के धरगांव क्षेत्र में, जहां एक संत हैं जो नवरात्रि के दौरान समाधि लिए हुए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, हालांकि उनका सिर बाहर है और शरीर अंदर है। और बताते हैं कि ये संत हर नवरात्रि में इसी तरीके से ज़मीन के अंदर तपस्या करते हैं और उनके ऊपर मिट्टी बिछा दी जाती है और मिट्टी के ऊपर ज्वारे बोए जाते हैं। कहते हैं कि जितने ज़्यादा ज्वारे यहाँ पर उगेंगे, उतना कल्याण देश का और सृष्टि का होता है। गुरुजी क्या नाम लिखते हैं और कैसे इसकी शुरुआत? मेरा नाम गुजराती बाबा है, गुजरात से हूँ और ये समाधि इसलिए लेता हूँ कि जगत में से व्यसन जो है, दारू शराब गांजा, ये मुक्त हो जाए, सनातन धर्म एक हो जाए। बस खास करके मेरा यही ध्येय, सनातन धर्म को एक करना। बताते हैं कि इस समय जो है आप खाना पीना छोड़ देते हैं और सिर्फ यहीं रहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें सेवन कर पाते हैं? वैसे मैया की समाधि लेता हूँ और इसी में सब बंद करना पड़ता है, अनाज वगैरह, जल वल, थोड़ा पानी ले लेता हूँ, नशे सूख जाते हैं। बाकी पूरे 9 दिन जो है ऐसे तरीके से जो है तप करते हैं आप? जी 10 दिन तक ऐसा ही रहता है, दशहरे का दिन बाहर निकलूँगा। कितने सालों से कर रहे हैं और कैसे शुरुआत हुई? मैंने हिमालय में से चालू किया था, बहुत समय हो गया, ये मेरी शायद 24-25वीं शायद समाधि होगी। जैसे देख रहे थे कि पिछले नवरात्रि में आपने किसी और अन्य स्थान पर इस तरीके से जो है माता के तप के लिए समाधि ली थी और इस जगह आपको अलग स्थान पर ले रहे हैं, तो ये अलग बदलते रहते हैं या फिर क्या? बस मेरा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह ना रहे कि जहाँ मैं समाधि ना ले सकूँ। MP में ये 3 हो गया, ऐसे UP में हुआ, गुजरात में हुआ, हिमालय में हुआ, पंजाब में, हरियाणा में, मतलब हर एक देश में 3-3 समाधि लेना चाहता हूँ, तो जिससे क्या है कि सनातन धर्म एक हो जाए और मैया की प्रीति चली रहे। आज माँ को पहचानो, बस माँ है जगत जननी, उसको पहचानने के लिए करते हैं। पिछली बार हम आपसे मिले तो आपने बताया था कि यहाँ का जो बारादवारी क्षेत्र है वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ आप करने जा रहे हैं। जी वहाँ भी किया, वो रूम वगैरह हो गया, हॉल हो गया, वही स्थान है। अब यहाँ ये खाटू श्याम का मंदिर बन रहा है, तो यहाँ के लिए ये कर रहा हूँ कि खाटू श्याम का मंदिर बन जाए। जैसा हमने सुना था कि जो ज्वारे आप अपने शरीर के ऊपर बोते हैं, तो जितनी ज़्यादा इनकी हाइट होती है, ज़्यादा होते हैं, उतना ज़्यादा कल्याण? जी यही एकदम हरा भरा हो जाएगा 5वें दिन से, तो जो हरा भरा होने के बाद वो 10-15 किलोमीटर 100 किलोमीटर उसकी हरियाली चालू रहती है, तो माँ है जगत जननी, तो जगत का कल्याण के लिए करते हैं। साधु क्या करते हैं जगत के लिए, अपने लिए तो कुछ करते नहीं, जगत के लिए जो भी कर रहे हैं हम लोग जगत के लिए, शरीर को कष्ट दे के जगत को कल्याण करना है। तो ये थे जगदानंद जी महाराज, जो कि पिछले कई सालों से इसी तरीके से नवरात्रि में समाधि लेते आ रहे हैं और इस दौरान जमीन के अंदर ये लोग रहते हैं और ऊपर ज्वारे बोए जाते हैं और इसी दौरान 9-10 दिनों तक ये लोग इस तरह रहते हैं। और सर अभी हमारा महाराज जी ने हमें बताया है कि 10 दिनों के बाद में इस दौरान 5वें दिन से यहाँ पर जो है ज्वारे उगना शुरू हो जाते हैं और जितनी इनकी हरियाली होती है कई दिनों तक जाती है और माँ भगवती की कृपा ही इसको मानते हैं रहे हैं। उनका उद्देश्य जो माँ भगवती की आराधना पूजा करना, ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके, बुराइयाँ जो है खत्म हो सके। दीपक पांडे, लोकल IT, खरगोन। जगदीशानंद गुरु कल्याण दास महाराज, जिन्हें लोग गुजराती बाबा के नाम से जानते हैं, पिछले 33 वर्षों से देवी साधना में लीन है। वे अब तक देश भर में 24 से 25 समाधियां ले चुके हैं। हिमालय से शुरुआत हुई और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी समाधियां ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में यह उनकी 3री समाधि है। बाबा का लक्ष्य है कि देश के हर राज्य में 3-3 समाधियां ले।
गुजराती बाबा का असल जीवन भी बेहद ही दिलचस्प है। वे मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और मुंबई में दो मॉल्स के मालिक थे, लेकिन देवी भक्ति में ऐसा रम गए कि सब कुछ छोड़कर हिमालय चले गए। साधु बनने के बाद वे वापस लौटे और देश भर में यात्रा कर सनातन धर्म और व्यसन मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाने लगे। बाबा का कहना है कि वे साधुशुदा हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, समय समय पर परिवार से मिलने भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय भक्ति और समाज कल्याण में ही बीतता है। गुजराती बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली है वहां खाटू श्याम का भव्य मंदिर का निर्माण होना है। ग्रामीणों ने करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाया है, जिसका काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ यहाँ बाबा की सेवा में लगे हुए कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरह की यहाँ बाबा की दिनचर्या होती है और यहीं पर उन्होंने क्यों समाधि ले रखी है। भैया क्या नाम लिखते हैं? अभिषेक पाटीदार। ये अपना श्याम मंदिर का काम चल रहा है यहाँ पर, इसलिए उनका उद्देश्य था कि जो मंदिर में लागत लग रही है, जो इससे दान आएगा वो यहीं पर दान दिया जाएगा। जल लेते हैं दिनचर्या में सिर्फ थोड़ा। कितनी बार लेते हैं? एक दो चम्मच जल दिन में एक दो बार ले सकते हैं। गुजराती बाबा है के नाम से प्रसिद्ध है, गुजरात के कोई शहर का नाम थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, और फिलहाल भारद्वारी में रहते हैं। इनके 5-7 आश्रम है, सेवा रूप में काम करते हो, समाज सेवा देश कल्याण के लिए वो ये समाधि लेते हैं।